हाय फ्रेंड्स, अमेरिकन बुल्ली में आप लोगों ने बहुत सारे कलर्स देखे होंगे, जैसे कि ग्रे, ब्लैक या प्योर व्हाइट। लेकिन आज जो कलर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये काफी यूनिक है, जिसे हम लोग ट्राई कलर कहते हैं। यस गाइस, ये एक रेयर कलर है जो कि आप लोगों को सिर्फ कुछ ही लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस अमेरिकन बुल्ली पपी को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिकन बुल्ली पपी एक फीमेल है एंड पॉकेट साइज में है। एंड गाइस, पॉकेट एक ऐसा साइज है जो कि अमेरिकन बुल्ली में सबसे ज्यादा सेल होता है। वैसे गाइस, ये सिर्फ नाम नाम के पॉकेट साइज है, ये आप लोगों की पॉकेट में दूर दूर तक फिट नहीं होने वाले। वैसे ये साइज इसलिए ज्यादा अच्छा रहता है कि ना तो ये डॉग्स ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज्यादा छोटे, तो इन्हें रखने के लिए स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यार ये इजिली स्मॉल टू मीडियम साइज के घरों में भी रह सकते हैं, इन्हें रहने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। और फ्रेंड्स, अमेरिकन बुल्ली के कोट को मेंटेन रखना भी बहुत ही आसान है, बिकॉज इनका बहुत ही शॉर्ट कोट होता है जिन्हें आप लोग इजिली मेंटेन रख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ओनर ने इस फीमेल की फर्स्ट वैक्सीनेशन और डिफॉर्मिंग भी कंप्लीट करा रखी है, तो परचेस करते टाइम आप लोगों को इसका कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अपने पपीज की डिफॉर्मिंग करो तो उससे पहले आप लोग उसका वेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि पपीज की जो डिफॉर्मिंग होती है वो वेट के हिसाब से ही होती है। तो अगर आप लोगों के पपीज 10 किलो से नीचे हैं तो आप लोग उनकी सिर्फ फॉर्म में ही डिफॉर्मिंग करें, और अगर आप लोगों के पपीज 10 किलो से ऊपर हैं तो आप लोग उन्हें टैबलेट दे सकते हैं। सो गाइस, फीमेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही एक्टिव भी। बट रियली सॉरी, मेरे पास इस पपी के मदर फादर की फोटो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ डॉग ओनर से ही डिस्कस करना होगा। तो अगर उनके पास अवेलेबल हुई तो ओनर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे, अदरवाइज फीमेल की क्वालिटी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और प्लीज गाइस, जब आप लोग इस फीमेल को परचेज करो तो डॉग ओनर से इसके डाइट प्लान के बारे में जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि सडनली आप लोग इस पपी का खाना चेंज करोगे तो हो सकता है किसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और अगर ओनर के पास इसकी कुछ फीड बची है तो आप लोग थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देके उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है फ्लो विद द म्यूजिक FT युवराज, सेकंड है आदित्य जैन एंड थर्ड है जिशान खान। तो फ्रेंड्स, अगर इस अमेरिकन बुल्ली की एज के बारे में बात करें तो ये फीमेल पपी 2 मंथ्स की हो चुकी है और फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कंप्लीट है, एंड इसकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड गाइस, ओनर आप लोगों को सिर्फ दिल्ली NCR में ही डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट विजिट करके भी इसे परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, मोस्टली लोग जो ट्राई कलर के पपीज होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस में सेल करते हैं, तो इस फीमेल का प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो गाइस, ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किया 22,000 पीस यानी 22,000 रुपए। बट डोंट वरी, प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी गाइस, इसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।